मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शिज़ा नईम और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़। दुनिया मौसीकी का एक ऐसा नाम जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनके गले में भगवान बोलता है और उनको कॉपी करने की बहुत सारे गुलकारों ने माजी और हाल में कोशिश की लेकिन वो तो नाकाम रहे। लेकिन आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे सिंगर से जो बिल्कुल लता जी की तरह गाना गाते हैं और जब वो गाते हैं तो सुनने वाले धोखा खा जाते हैं कि लता जी कहाँ से बोल रही हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इमरान मुगल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इमरान आप? जी मैं ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको कब ऐसा फील हुआ कि आप लता जी की तरह गा सकते हैं? ये काफ़ी साल पहले की बात है और मैं पहले भी मीडिया में ये बता चुका हूँ कि ये एक दफ़ा मैं अपने फ्रेंड के लिए गा रहा था तो वहाँ से उसको लगा कि शायद ये फेक है या ये पीछे टेप लगी हुई है, तो वो मैं ही गा रहा था और उसने मुझे कहा ये दोबारा से गाओ, फिर से गाओ। तो वहाँ से मैंने जब गाया तो वो इतना शॉक्ड हुआ कि मुझे भी हैरत हुई कि क्या ये ऐसा है कि मतलब मैं इसको गा सकता हूँ। वहाँ से फिर मैंने इसको प्रॉपर गाना स्टार्ट किया। अच्छा, तो लता जी की तरह गाना गाना आपने खुद ही सीखा है या फिर किसी ने आपको सिखाया? ये खुदा दाद सलाहियत है, गॉड गिफ्टेड है और मैं बचपन से उनको सुनता था और मेरी फेवरेट भी वही थी और उनको ही मैंने गाने की कोशिश करनी और बस आज जो भी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो इमरान हमें कुछ लता जी का गा के सुनाए। लता जी का मैं जो मेरा पहला ट्रैक था जिया जले वो मैं आपको स्टार्ट करता हूँ क्योंकि वही मेरी पहचान बनी। जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना आस की रे जिया जले जा जले नैनो तले धुआं चले धुआं चले। आप तो बिल्कुल लता जी की तरह गाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इवेंट पे गए हो वहाँ पे आप गा रहे हो और लोग परेशान हो जाएं कि लता जी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? दो तीन दफ़ा ऐसा हुआ है। एक दफ़ा कराची में मैं एक शो में था तो वहाँ पे वैसे एज अ गेस्ट मैं गया हुआ था और मैंने माइक पर ऐसी छेड़छाड़ के लिए थोड़ी सी आवाज़ निकाली तो वो काफ़ी जो वहाँ की आवाम थी वो शॉक्ड हुई। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप आकर गाएं तो मैंने ट्रैक पर एक सॉन्ग गाया था। तो कितनी देर लगी आपको लता जी की आवाज़ को कॉपी करने में? ये खुदा दाद मेरी आवाज़ में ये टैलेंट था और ये मेरे गले में आवाज़ थी खुद कुदरती। ये सीखने से नहीं आ सकती और ये बनाने से भी नहीं आ सकती और दुनिया में ऐसा कोई साइंस ने तरक्की नहीं की कि कोई सॉफ्टवेयर किसी की आवाज़ को लता जी से मैच करते। ये खुदा दाद है। तो कभी आपकी ख्वाहिश हुई हो लता जी से मुलाकात की? जी अक्सर बेशतर होती है, ज़ाहरी बात है वो मेरी उस्ताद हैं, मुझे बड़ा दिल करता है मिलने को लेकिन हमारे मुल्क की हालात कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है और जब जाना पॉसिबल था तब मैंने इतना ज़्यादा सोचा नहीं था तो अब देखें अगर किस्मत में हुआ मिलना तो। अगर कभी आपकी लता जी से मुलाकात हो गई तो क्या जज्बात होंगे आपके? मुझे तो खुद मतलब मैं ये बता ही नहीं सकता कि मेरे जज्बात क्या होंगे, जस्ट उनके कदमों में ही बैठा रहूँगा। लता जी के अलावा कोई और सिंगर भी आपको पसंद है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा गाने वाले हैं, जैसे हमारी मैडम नूरजहां हैं वो तो लता जी से भी बहुत अच्छा गाती हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, किशोर साहब हैं, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लासिकल गायक गुजरे हैं कि जिनके नाम लेने बैठे तो एक बहुत लंबी कतार है, तो सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सबको पसंद करता हूँ। तो कभी आपने उनको भी उनकी आवाज़ को भी कॉपी करने की कोशिश की हो? मैंने अपने उस्ताद से हटकर आज तक किसी को गाया ही नहीं है और मतलब वैसे मैं गज़लें गाता हूँ तो मैडम नूरजहां की गाता हूँ लेकिन जो मेरा प्रोफेशनल होता है कि मैं ज़्यादा गाऊँ वो रुझान मेरा लता जी की तरफ। एक और लता जी का गाना हमें गा के सुना दीजिए। लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंधला गई देख मेरी नजर आ जाना।
कभी आपने सोचा हो कि आप लता जी की तरह तो गा सकती हूँ, लेकिन आपको दूसरे सिंगर्स की तरह भी गाना आना चाहिए? मैंने आपसे मैंने बताया कि मतलब मैंने कभी ये चाहा ही नहीं कि मैं किसी और की तरह भी गाऊँ। बस जिस वो इतना बड़ा नाम है, इतनी बड़ी वो लेजेंड हैं, वो इतना बड़ा, जैसे उनकी आवाज़ सुनकर ऐसा ही लगता है कि जैसे इंसान कहीं खो गया है। वो एक जादुई आवाज़ है, वॉइस ऑफ हेवन है, वो वॉइस ऑफ मैजिक हैं, तो उससे बढ़ के क्या कोई कर सकता है। जी ये तो है। और मज़ीद ये बताएं कि लता जी की सिर्फ आपने आवाज़ को ही कॉपी किया हुआ है या फिर उनके किसी और स्टाइल को भी अपनाया? मैंने उनके बहुत ज़्यादा स्टाइल्स को अपनाया हुआ है, उनकी लाइफ को अपनाया हुआ है। जैसे उनके, मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरी कोशिश होती है कि बड़ी मैं सादगी में रहूँ, बड़ा आजदी में रहूँ, और गाना सीखा भी मैंने उनके लिए। और लोग कहते हैं कि आप गाते भी सेम हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। अच्छा, तो लता जी की तरह गाना गाना आपका ये प्रोफेशन बन चुका है या फिर सिर्फ आपकी ऐसा हॉबी है? ये जस्ट मेरी हॉबी थी, लेकिन ये मीडिया वालों ने और मेरे स्टूडेंट्स ने और मेरे फ्रेंड्स ने इसको बना दिया है प्रोफेशन। कभी इस तरह पार से आपको कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि आप तो बिल्कुल लता जी की तरह गाते हैं? जी माशाल्लाह, इंडिया से बेशुमार सिंगर हैं, बांग्लादेश से काफ़ी हैं, दुबई में हैं, ओमान में हैं। भी बताइएगा। फैन फॉलोइंग तो माशाल्लाह काफ़ी हद तक मिलियंस तक चली गई हुई है। कभी आप पब्लिक प्लेस पे गए हो और लोग आपके साथ फ़ोटो बनवाना चाहें और आपको गुस्सा आया हो? नहीं, गुस्सा नहीं आता, लेकिन बस ये होती है कि मैं ज़रा जल्दी में होता हूँ तो वो लोग खींचते हैं, सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर एक पिक्चर, सर एक पिक्चर, तो वो लोग ले लेते हैं। अदरवाइज़ मैंने कभी इतना ज़्यादा नहीं किया। तो इमरान, आखिर में एक और लता जी का गाना हमें गा के सुना दीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही गाया तो वो तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा, आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। वो बिल्कुल लता जी की तरह गाते हैं। बहुत सारे गुलकारों ने लता जी की तरह गाने की कोशिश की, वो तो नाकाम रहे, लेकिन इन्होंने इस काम में कामयाबी हासिल की। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अगली स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।